हेलो एवरीवन, वेलकम टू एटीपी स्टार द सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं थिंग्स यू शुड कीप इन माइंड बिफोर टेकिंग फुल एग्जाम टेस्ट। फुल एग्जाम टेस्ट को लिखने से पहले आपको किन किन बातों का ध्यान में रखना है, आज हम ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम अपना छोटा सा सेशन शुरू करते हैं। अगर उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी तो आपको सारी की सारी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी बेस्ड रेलिवेंट टेस्ट देने हैं वो भी बिल्कुल फ्री, तो आप एटीपी स्टार ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप प्ले स्टोर पर जाइए, एटीपी स्टार ऐप को डाउनलोड कीजिए, साइन इन कीजिए। साइन इन करने के बाद जब आप अपने यहाँ नेम पर क्लिक करोगे तो आपके पास ऑप्शन आएंगे। ये यहाँ पर आपने एडिट सिलेबस पर जाना है। एडिट सिलेबस पर जाने के बाद आपके पास चार ऑप्शन आएंगे कि आप किस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। तो जस्ट सपोज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एग्जाम, तो आपने नीट को सिलेक्ट किया और यहाँ से किया आपने नेक्स्ट। अब आप क्लास को भी चूज कर सकते हैं कि आप कौन सी क्लास में, आप 11th में हो या फिर 12th में या फिर यू आर अ ड्रॉपर। तो मैंने जस्ट सपोज यू आर अ ड्रॉपर, तो ड्रॉपर सिलेक्ट किया। और अब टारगेटिंग ईयर को भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आपका जो नीट का जो टारगेटिंग ईयर है वो कौन सा है। तो जस्ट सपोज योर टारगेटिंग ईयर इज 2021, तो आपने यहाँ से ये सिलेक्ट किया। अब आपने करना है नेक्स्ट। अब आपने एग्जाम को भी सिलेक्ट करना है और आपने करना है नेक्स्ट। ठीक है, अब आपने यहाँ पर जाना है स्टार्ट लर्निंग नाउ पर। स्टार्ट लर्निंग नाउ पर जाने के बाद आपके पास ये प्रोफाइल ओपन होगी। यहाँ से आपने जाना है प्रैक्टिस पर। ठीक है, प्रैक्टिस पर जाने के बाद आपने सिलेक्ट करना है एग्जाम को, नीट को सिलेक्ट किया और आपने किया नेक्स्ट। ठीक है, अब आपके पास ये ऑप्शन है कि आपको किस सब्जेक्ट का टेस्ट देना है। आपको बायोलॉजी का देना है, फिजिक्स का देना है या फिर केमिस्ट्री का देना है। ठीक है, तो जस्ट सपोज यू आर इंटरेस्टेड इन बायोलॉजी एग्जाम, तो आपने बायोलॉजी को सिलेक्ट किया और आपने यहां से किया नेक्स्ट। ठीक है, अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आप क्या तो पर्टिकुलर एक चैप्टर का टेस्ट दे सकते हो या फिर आपने फुल चैप्टर्स का आप टेस्ट दे सकते हो। ठीक है, तो जस्ट सपोज मैं अभी ऑल चैप्टर्स को सेलेक्ट कर रही हूँ कि मैं सारे के सारे चैप्टर्स का मुझे एक साथ टेस्ट देना है और आपने किया नेक्स्ट। ठीक है, अब आपके पास ये भी ऑप्शन रहेगा कि आप कितने मिनट के अंदर अपना टेस्ट को खत्म करना चाहोगे। आप 30 मिनट के अंदर करना चाहोगे, 45 या फिर 60। तो जस्ट सपोज आप 45 मिनट्स के अंदर अपने टेस्ट को खत्म करना चाहते हो, तो आपने यहाँ से 45 मिनट किया और आपने किया नेक्स्ट। ठीक है, अब आपके पास ये भी ऑप्शन है कि आप 45 मिनट्स में कितने क्वेश्चंस को आप अटेम्प्ट करना चाहोगे। आप 10 को करना चाहोगे, 20 को या फिर 25। ठीक है, तो जस्ट सपोज मैं यहाँ से किया 25 क्वेश्चन और यहां से किया मैंने सबमिट। ठीक है, तो अब आपका टेस्ट शुरू हो गया। तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है एटीपी स्टार ऐप की। ठीक है, तो आप जाइए एटीपी स्टार ऐप को डाउनलोड कीजिए और बहुत सारे टेस्ट दीजिए। ठीक है, अगर आप बहुत ज़्यादा टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली आपकी रैंक बूस्ट अप होगी। ठीक है, तो आप इस फीचर का जल्दी से जल्दी फायदा उठाइए। ठीक है, तो चलिए अब हम शुरू करते हैं वो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है जब आप अपना फुल एग्जाम टेस्ट लिख रहे होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं कि फुल एग्जाम देने से पहले आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है, आपको फिजिक्स भी पढ़नी होती है, केमिस्ट्री भी पढ़नी होती है, बायोलॉजी भी पढ़नी होती है आपने। तो अब मैं बताती हूँ कि आपको किन किन चीज़ों का ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ पर्टिकुलरली बायोलॉजी की, तो आपके पास ऑन एन एवरेज 2 घंटे हैं। ठीक है, कितने घंटे हैं? 2 घंटे हैं, 2 आवर्स हैं आपके पास ऑन एन एवरेज। 2 आवर के अंदर आपको एक चैप्टर को कंप्लीट करना है। ठीक है, और इस एक चैप्टर के अंदर आपके पास क्या क्या होगा? इस चैप्टर के अंदर आपके पास एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर होगी, आपके पास नोट्स होंगे, आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, एनसीईआरटी बेस्ड टेस्ट होंगे और जहां से आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की होगी। ठीक है, तो इतनी सारी की सारी चीज़ें आपने 2 घंटे में करनी है। तो अब आप कैसे करोगे? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो एनसीईआरटी की आपने हाईलाइट करके रखी होंगी। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपने मार्क करके रखे होंगे कि जब आप फर्स्ट टाइम जब या फिर सेकंड टाइम इन क्वेश्चंस को कर रहे होंगे तो आप ये नहीं कर पाए होंगे, या फिर ये आपको टिपिकल लगा होगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअली लगा होगा। ठीक है, तो जब से स्टार्टिंग से क्या करना है आपने एनसीईआरटी वो पढ़नी है जो आपने हाईलाइट कर रखी है या फिर आप जो चीज़ें भूल जाते हो। ठीक है, एनसीईआरटी से तो इतना हो गया, नोट्स को भी आपने पन्ने पलटने। ठीक है, जल्दी जल्दी आपने रिवाइज करना है कि अच्छा ये भी आता है, ये भी आता है, आपने ये भी आता है। ठीक है, आप एग्जाम्पल्स को बार बार रिवाइज कर सकते हो। क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो क्वेश्चन जब आप सेकंड या थर्ड टाइम प्रैक्टिस कर रहे होगे तो कुछ क्वेश्चंस आपको नहीं आए होंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चंस पर आपने स्टार मार्क कर दिया होगा कि जब मैं नेक्स्ट टाइम रिवाइज करूंगा तो सिर्फ इन स्टार मार्क क्वेश्चंस को ही देखने आए आपने। ठीक है, तो आपने एनसीईआरटी वो पढ़नी है जो आपने हाईलाइट कर रखी है, नोट्स आपने जल्दी जल्दी उसके पन्ने पलटने हैं कि अच्छा ये भी है, ये भी है, ये भी है। आप एग्जाम्पल पर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं जो क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चाहे वो एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं या फिर न्यू क्वेश्चंस हैं, तो जो आपने स्टार मार्क करके रखा है सिर्फ आपने उन क्वेश्चंस को ही करना है। ठीक है, तो
घंटे में आपने ऐसे एक चैप्टर को करना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप स्टार्टिंग से ही शुरू से ही जैसे आप फ्रेश टाइम पढ़ते हो वैसे ही आपने पढ़ना है। रिविजन का मतलब ये नहीं होता, रिविजन का मतलब है कि जल्दी जल्दी आप गो थ्रू हो गए, और आपने फिजिक्स को भी पढ़ना है, केमिस्ट्री को भी पढ़ना है और बायोलॉजी को पढ़ना है। तो आपका ये तरीका है हाईलाइट का और मार्क जो आपने चीज़ें कर रखी है वह उनको पढ़ने का, ठीक है। दूसरी बात करूँ, जो आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे होंगे, कंसाइज नोट्स बना रखे होंगे कि जब आप चैप्टर को, मैंने तभी बोला था स्टार्टिंग में, जब आप कोई भी चैप्टर पढ़ रहे हो एनसीईआरटी का, तो 3 या 4 बार पढ़ने के बाद ही आपने कंसाइज नोट्स बनाने हैं, ठीक है। उन नोट्स का कोई फायदा नहीं है कि आप एक एनसीईआरटी के चैप्टर 10 या 15 पेजेस के अंदर आप कंप्लीट करके रखा है, ठीक है। उन नोट्स का कोई फायदा नहीं है क्योंकि 10 या 15 पेजेस के अंदर तो एनसीईआरटी का खुद ही एक चैप्टर खत्म हो रहा है, ठीक है। तो जो चीजें बार बार, जिसे चीजें आप भूल जाते हो, कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ लाइन्स हैं जो एनसीईआरटी की टिपिकल है, जो आपने नोट्स के अंदर लिख ली, तो सिर्फ आपने बार बार उन्हीं चीजों को रिवाइज करना है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की, तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने बहुत ज़्यादा कर रखी होगी, ये मैं मान के चलती हूँ, ठीक है। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी ऐसे नहीं करना है कि आप स्टार्टिंग से ही सारे के सारे एक एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं है। आपने ऐसा करना है जो क्वेश्चन जो थोड़े से टिपिकल है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि आप एक चैप्टर के 1000 या फिर 1500 क्वेश्चन कर रहे हैं, नहीं। रिविजन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चीज़ों को बार बार पढ़ना ज़रूरी है, या फिर ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप एक क्वेश्चन को बार बार 10 बार कर रहे हो या फिर 20 बार कर रहे हो, वो भी इजी क्वेश्चन को, ठीक है। तो आपने कुछ क्वेश्चन जो अच्छे हैं, जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे हैं, या फिर ऐसे क्वेश्चंस जो आपको दिक्कत आते करते टाइम, तो सिर्फ आपको वो चीजें रिवाइज करनी है, ठीक है। अब बात करती हूँ पेपर की एनालिसिस, ठीक है। तो अगर आपके फुल टेस्ट में अगर आपके 500 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, अगर आपके 500 मार्क्स आ रहे हैं, तो ये सोच के चलिए आप फुल एग्जाम टेस्ट करने के लिए आप अभी तैयार है, ठीक है। अगर आपका वही रेंज आ रहा है 350 से लेके अगर आप 450 के बीच में ही है, तो मतलब आप अभी फुल टेस्ट देने के लिए तैयार नहीं है। आपको अपने वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, ठीक है। वीक पॉइंट्स को स्ट्रॉन्ग करना है, और आपने ये लेके चलना है कि जब भी आप कोई टेस्ट देते हो, तो जब भी आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो आप उसकी एनालाइज करो कि अच्छा ये मेरा क्वेश्चन यहां से गलत हो रहा है, तो ये टॉपिक आपको दोबारा पढ़ना है। आप 500 प्लस स्कोर कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि अब आप पूरी तरह तैयार हो फुल टेस्ट देने के लिए, ठीक है। अगर आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अपने चैप्टर्स को रिवाइज कीजिए, ठीक है, उन पर काम कीजिए, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए। अभी आपके पास टाइम है, अभी आपके पास 3 महीने हैं, तो ज्यादा घबराना नहीं है, प्रैक्टिस करना है, ज्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। तो रेलिवेंट चीजें जो भी आपने अभी तक हम वीडियोस में बताते आए हैं, आपने वैसे लेके चलना है, ठीक है। जितने भी आपने एक्सेप्शंस मार्क कर रखे हैं, ठीक है, जैसे बायोलॉजी के अंदर एक्सेप्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री के अंदर भी एक्सेप्शन होते हैं, तो जितने एक्सेप्शन आपने मार्क कर रखे हैं, तो बेसिकली सब मतलब ये है कि जितनी भी चीजें आपने हाईलाइट कर रखी है, जितनी चीजें आप भूल जाते हो, ठीक है, आपने वो चीजें बार बार पढ़नी है, ठीक है। अगर कोई टिपिकल क्वेश्चन है जो आपने मार्क कर रखा है और अब आप उसको खुद से कर सकते हो, तो जो मार्क है आप उसे हटा दीजिए अपनी लिस्ट को और कंसाइज करते चलिए, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा मेथड है कि आपने कैसे पढ़ना है, और कम से कम आप वीक में 2 टेस्ट दे सकते हो, चाहे आप वीक में 1 टेस्ट दो, लेकिन उसका एनालिसिस पूरा आपने करना चाहिए, ठीक है, कि यहाँ से मेरा क्वेश्चन गलत हो रहा है। अगर आपका क्वेश्चन गलत हो रहा है, तो उस टॉपिक पर जाइए, सारी की सारी चीज़ों को रिवाइज कीजिए, ठीक है। अगर आपने पेपर को एनालाइज नहीं किया, तो आपको फुल टेस्ट देने का कोई मतलब नहीं है। और जिन बच्चों मार्क्स कम आ रहे हैं, तो अभी और ज्यादा, अभी टाइम है हमारे पास, और ज्यादा मेहनत कीजिए, डेफिनेटली यू विल अचीव योर गोल, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।